आप सभी को मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम लोग पिछले वीडियो में वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन नंबर 70 तक पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक किसी काम को 25 दिनों में तथा बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, दोनों 5 दिनों तक साथ काम करते हैं, तो अब कितना काम शेष रह गया। तो ए 25 दिनों में कार्य कर रहा है, ए 25 दिनों में कार्य कर रहा है और बी 30 दिनों में कार्य कर रहा है। ये दोनों लोगों का दिन है, तो दोनों लोगों का जब हम एलसीएम लेंगे दिन का, तो क्या आएगा, कुल कार्य आएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा ना। तो दिन और ये कुल कार्य आया, कुल कार्य आ गया, तो हमें किसकी ज़रूरत है, क्षमता की ज़रूरत है ना। तो हम जानते हैं दिन गुणे क्षमता इक्वल टू कुल कार्य होता है ना। तो क्षमता हम कैसे निकालेंगे, जब दिन से हम कुल कार्य में भाग देंगे तो क्षमता आएगी। तो 25 से इसमें भाग देंगे तो 25 छक्का 150 हो जाएगा, 30 पंचे 150। ये क्या आया, ये दोनों लोगों की क्षमता आई। फिर ये कह रहे हैं दोनों 5 दिनों तक साथ कार्य करते हैं। अब दोनों लोग 5 दिनों तक साथ कार्य करेंगे, ये भी 5 दिन तक करेंगे और ये भी 5 दिनों तक कार्य करेंगे। अब हमें 25 से नहीं मतलब है और ना तो 30 से मतलब है, हमें 5 से और यहाँ पे भी 5 से मतलब है। तो 6 पंचे 30, ए 30 कार्य किया, बी 25 कार्य किया, तो दोनों लोग मिलकर कुल कितना कार्य किए, 55 कार्य पूरा कर लिए। कितने में से, 150 में से। तो 150 में से 55 कार्य पूरा हो गया, तो शेष कितना बचा है, 5 और 9, 95 कार्य शेष रह गया। कितने में से, 150 में से ना। तो 150 से हम भाग देंगे, बटे में 150, 5 इक्के 5, 5 9 45, 5 3 15, तो शेष कार्य कितना रह गया, 19/30 कार्य शेष रह गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अलग अलग किसी काम को पूरा करने में एक्स को 4 घंटे लगते हैं और उसी काम को पूरा करने में वाई को 8 घंटे लगते हैं, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो दोनों लोग मिलकर कार्य को पूरा कर रहे हैं ना, देखते हैं। दिए हैं एक्स को 4 घंटा लगता है कार्य करने में, 4 घंटे में कार्य पूरा कर रहा है। फिर वाई 8 घंटे समय लेता है काम को पूरा करने में, तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 ये क्या है, ये समय है, समय और ये कुल कार्य है ना। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 2 से यहाँ गुणा होगा, 1 से यहाँ गुणा होगा ना। तो दोनों लोगों की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 आएगी। तो 3 से हम 8 में भाग देंगे तो समय आ जाएगा 3। और ये दिए हैं, कह रहे कितने समय, दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे, और ऑप्शन में देख रहे हैं तो मिनट में आ रहा है ना, ये तो आवर्स में आ रहा है, लेकिन वो मिनट्स दिए हैं, तो हम 60 से गुणा करा देंगे। 3 1 3, 3 2 6, 20 का गुणा 8 में कराएंगे, 160 मिनट लगेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स 1/4 काम 6 दिनों में करता है, वाई शेष काम को 12 दिनों में पूरा करता है, एक्स और वाई मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोनों लोग मिलकर कार्य को पूरा कर रहे हैं ना, देखते हैं। दिए हैं एक्स 1/4 काम 6 दिनों में करता है, एक्स 1/4 काम कितने दिनों में, 6 दिनों में कर रहा है। तो एक काम कितने दिनों में करेगा, 6 का गुणा हम 4 में कराएंगे ना, तो 24 दिन आ जाएगा, एक काम 24 दिनों में वो ख़त्म करेगा। फिर ये कह रहे हैं वाई शेष काम को 12 दिनों में पूरा करती हैं, वाई शेष काम को 12 दिनों में, शेष काम 1/4 कार्य कौन कर रहा था, एक्स कर रहा था ना, कितने दिनों में, 6 दिनों में कर रहा था, और वाई शेष कार्य को, शेष भाग 1/4 में से एक कार्य एक्स कर रहा है, तो कितना बचा है, 3 बचा है,
चार में से तीन काम वाई करेगा, कितने दिनों में? 12 दिनों में करेगा। तो 12 लिखेंगे, चार का गुणा 12 में कराएंगे, चार यहाँ आएगा, तीन यहाँ आएगा, तो यहाँ पे एक काम आएगा और यहाँ पे चार नहीं होगा। जब हम चार का गुणा इधर करा दिए हैं तो चार हट जाएगा। तीन एक के तीन, तीन चौ 12, चार चौ 16। तो वाई कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? 16 दिनों में समाप्त करेगा। फिर ये कह रहे हैं एक्स और वाई मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। अब दोनों लोग मिलकर कार्य को पूरा कर रहे हैं ना, तो दोनों लोगों का लिखेंगे 24 और 16। ये क्या है? दिन है। तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 आएगा। 24 दूना 48, 16 तिया 48 होगा। तो एक्स और वाई की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 2 5 हो जाएगी। तो 5 से इसमें हम भाग देंगे, किसमें? कुल कार्य में 5 से भाग देंगे। तो ये आ जाएगा 5 9 45, 9 सही 3/5 दिनों में कार्य को वो समाप्त कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 24, 5 और 12 दिनों में कर सकते हैं, वह एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखते हैं, दिए हैं ए बी और सी तीनों लोग मिलकर कार्य को 24, 5 और 12 दिनों में कर रहे हैं। 12 दिनों में, तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तीनों लोगों का 24, 5 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आएगा। 120, ये क्या आया है? ये कुल कार्य है और ये दिन है। तो क्षमता 24 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा गुणे, फिर 5 से भाग देंगे 24 आएगा, 12 से भाग देंगे तो 10 आएगा। तो तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी? 9 और 3, 39 आएगी। फिर ये कह रहे हैं वह एक साथ मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, तो 39 से इसमें भाग देंगे तो 3 1 3, 3 3 9, 3 4 12, 40/13 आ गया। तो दोनों लोग मिलकर कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? 40/13 दिनों में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, उसी काम के 3/5 भाग को कितने समय में पूरा करेगा? तो देखते हैं, दिए हैं, कह रहे हैं जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग, 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो 10 हो जाएगा। एक भाग का हम निकालेंगे तो यहाँ पे 3 से गुणा होगा और 2 नीचे आएगा, तो यहाँ पे एक भाग आ जाएगा। एक भाग तो 2 1 2, 2 5 10, 5 3 15, 15 दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं उसी काम के 3/5 भाग को कितने समय में पूरा करेंगे? 3/5 भाग कह रहे हैं कितने समय में पूरा करेंगे, तो इसी में हम रखते हैं दिन। कितना क्षमता, अगर हम क्षमता निकालेंगे तो बटे में करके लिखते हैं, तो क्षमता के नीचे 1/15 और दिन ऐसे ही रहेगा। और कुल कार्य कितना है? 3/5 है ना, 3/5 लिखेंगे। 5 1 5, 5 3 15, 3 3 9, 9 दिनों में कार्य समाप्त कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी को 1200 रुपये में एक काम की जिम्मेदारी दी जाती है, ए अकेले काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी काम को 12 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से वे काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो कुल मजदूरी में से सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सी का हिस्सा बताना है ना, देखते हैं, दिए हैं ए अकेले किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1/15 होगी। फिर बी अकेले काम को 12 दिनों में कर रहा है, बी तो बी की क्षमता 12 हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं जबकि बी 12 दिनों में कार्य कर सकता है, सी की सहायता से वे 5 दिनों में कर सकते हैं, तो
पहले तो यहाँ से हम दोनों लोगों की एफिशिएंसी निकालते हैं, ए और बी की। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, 15 चौका 60, 12 पंचे 60, तो 9 बटे 60, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 बटे 20 आ गया। दोनों लोगों की क्षमता कितनी आई, 3 बटे 20 आई। फिर ये कह रहे हैं सी की सहायता से वे 5 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं, तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। पहले ये दोनों लोग तो कार्य कर ही रहे थे, अब सी भी आ गया, तो तीनों लोग साथ में कार्य कर रहे हैं। और कितने दिन तक करेंगे साथ में कार्य, तो 5 दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। तो 5 लिखेंगे इक्वल टू कितना कार्य करेंगे, तीनों लोग मिलकर एक कार्य करते हैं ना, 1 लिखेंगे, 5 को हम 1 के नीचे लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकालते हैं, तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे कितना, 3/20 रखेंगे, 3/20 प्लस 1/c इक्वल टू 1/5। तो 3/20 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे ना, तो माइनस में होगा 3/20, तो यहाँ से 3/20 हटेगा, तो 1/c इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 5 चौक 20 माइनस 3, 1/20। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 1/20 आई। अब ये कह रहे हैं तो कुल मजदूरी में से सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो सी का हिस्सा बताना है ना, तो पहले तो यहाँ से हम तीनों लोगों का रेशियो निकालते हैं, ए का, बी का और सी का। तो ए का कितना है, 1/15 है, 1/15, और बी की 1/12। रेशियो सी की कितनी है, सी की 1/20 आई है, 1/20 लिखेंगे। अगर हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, तो 60 से हम ऊपर गुणा कराएंगे, 60 60 और 60, तो 15 चौका 60, 12 पंचे 60, 20 तियाई 60। तो ये कह रहे हैं सी को कितना हिस्सा मिला ना, सी का बताना है, तो 3/5 5 4 9 9 3 12 गुणे कितना रुपया है, कुल 1200 रुपया है, 1200 12 1 के 12 12 1 के 12, तो 300 रुपया सी को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से तीनों मिलकर काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं, पूरे काम के लिए उन्हें 960 रुपया मिलते हैं, तो ए को कितने रुपया प्राप्त हुआ, तो ए का रुपया बताना है ना, देखते हैं। ए और बी तो दिए हैं, कह रहे हैं ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/12 होगी। फिर बी की क्षमता, बी 15 दिनों में कार्य पूरा कर रहा है, तो बी की क्षमता 1/15 होगी। तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 60 आएगा, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 9/60, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3/20। दोनों लोगों की क्षमता कितनी आ गई, 3/20 आई। फिर ये कह रहे हैं सी की सहायता से तीनों मिलकर, फिर अब सी भी आ गया, तो 1/A + 1/B + 1/C, दोनों लोग सी की सहायता से कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेंगे, 5 दिनों में कार्य पूरा करेंगे, 5 लिखेंगे और कितना, 1 हो जाएगा, 1 के नीचे हम 5 लिखेंगे तो 5 यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ से हम दोनों की एफिशिएंसी लिखेंगे, ए और बी की कितनी आई है, 3/20 आई है ना, तो 3/20 को हम यहाँ पे रखेंगे, 3/20 + 1/c = 1/5, तो 3/20 को हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा 3/20, तो यहाँ से हटेगा 3/20। एलसीएम लेंगे 5 और 20 का, तो 20 आएगा एलसीएम, 20 5 चौ 20 माइनस 3, 1/20। तो सी की क्षमता कितनी आई, 1/20 आई। अब हम यहाँ से तीनों लोगों का रेशियो निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी,
एक बटे 12, बी की क्षमता कितनी थी? 1/15 थी। 1/15 रेशियो सी की क्षमता कितनी आई है? 1/20 आई है। 1/20 लिखेंगे तो यहाँ से हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। 60 आएगा तो 60 से हम सब में गुणा कराएंगे, 60 60 और 60, 12 5 60, 15 4 60, 20 3 60। 5:4:3, तीनों लोगों का रेशियो कितना आया? 5, 4 और 3 का। तो अगर यहाँ पे तीनों लोगों की राशि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 4, 9, 9, 3, 12 आएगा। लेकिन ये कितना दिए हैं? 960 रुपया दिए हैं, तो 960 रुपया। तो 12 में हम कितने से गुणा करा दें कि 960 आ जाए? तो 8 से गुणा कराएंगे, 80 से गुणा करा देंगे तो 960 रुपया आ जाएगा। 80 से हम सब में गुणा कराएंगे, इसमें भी और इसमें भी। एक आप पूछे हैं, 8 5 40, एक को 400 रुपया मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 व्यक्ति 1200 रुपये में एक काम करने का ठेका लेते हैं। पहले व्यक्ति 8 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में तथा तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में काम पूरा कर सकता है। चौथे व्यक्ति की सहायता से वे 3 दिनों में कार्य समाप्त कर देते हैं, तो चौथे व्यक्ति को कितने रुपये प्राप्त होंगे? तो ये भी ऐसे ही लगेगा जैसे इसे लगाए हैं। तो देखते हैं, पहले तो 3 व्यक्ति का एफिशिएंसी निकालेंगे। दिए हैं, हाँ, पहला व्यक्ति 8 दिनों में कार्य पूरा कर रहा है, 1/8 प्लस दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में पूरा कर रहा है, 1/12 प्लस तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में कार्य पूरा कर रहा है, 1/16 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ से हम तीनों लोगों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। 8 6 48 प्लस 12 4 48 प्लस 16 3 48, 6 4 10 3 13/48। तो तीनों लोगों की क्षमता कितनी आ गई? 13/48 आई। फिर ये कह रहे हैं चौथे व्यक्ति की सहायता से हुए 3 दिनों में कार्य समाप्त कर लेंगे। 4 लोग हैं ना, मान लीजिए पहला व्यक्ति कोई ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। तो कितने दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं? 3 दिनों में कार्य पूरा कर लेंगे। इंटू में 3 कितना कार्य? 1 कार्य पूरा करेंगे तो 1 के नीचे 3 लिखेंगे, 1/3 हो जाएगा ना। तो यहाँ से हमें डी की क्षमता निकालनी है ना, तो यहाँ पे तीनों लोगों की क्षमता रखेंगे तो डी की क्षमता आ जाएगी। तो तीनों लोगों की क्षमता कितनी है? 13/48 है ना, तो 13/48 रखेंगे प्लस 1/d इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो 13/48 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा 13/48, तो 13/48 यहाँ से हटेगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। ये तो 48 आया, तो 16 3 48 माइनस 13 3/48 आ गया। ये तो डी की क्षमता आ गई। फिर यहाँ से हम रेशियो ऑफ सबका नहीं निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी रेशियो डी, इन दोनों लोगों का निकालेंगे। तो तीनों लोगों का रेशियो कितना है, क्षमता कितनी है? 13/48 है। तो 13/48 रेशियो डी की क्षमता कितनी है? 3/48 है। 3/48 लिखेंगे, 48 से 48 यहाँ से कैंसिल होगा ना। तो तीनों लोगों की क्षमता कितनी आई? 13 और डी का अकेले 3 आया, और डी का ही पूछ रहे हैं वो, तो 3/फुल लिखते हैं तो 16 हो जाएगा। और कितना रुपया बांटना है तीन चारों लोगों में? 1200 रुपया, तो गुड़े 12 हो जाए, 1200 हो जाएगा। 4 4 16 4 3 12, 4 1 4 7 28, 4 5 20, 75 3 225। तो डी को कितना रुपया मिलेगा? 225 रुपया मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए किसी कार्य को 16 दिनों में, जबकि बी उसी काम को 24 दिनों में समाप्त करता है।
सी की सहायता से तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि काम के लिए 400 रुपया कुल मजदूरी मिलती है तो प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो देखते हैं, इसमें सबका रुपया बताना है, ए बी और सी की दिए हैं। ए किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त करता है, ए 16 दिनों में समाप्त कर रहा है, बी 24 दिनों में, बी 24 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो पहले तो हम यहाँ से दोनों की क्षमता निकालेंगे, ए की और बी की। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, 48 हो जाएगा, तो 16 × 48 प्लस 24 × 48, 5/48 आ गया दोनों की क्षमता। फिर ये कह रहे हैं सी की सहायता से तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर लेंगे। अब सी भी आ गया, पहले तो दो लोग कार्य कर ही रहे थे, अब सी भी आ गए, तो 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। अब तीनों लोग मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? 6 दिनों में समाप्त करेंगे, तो गुणे 6 और कितने कार्य, एक कार्य को, एक हो जाएगा, 6 को एक के नीचे लिखेंगे, यहाँ से 6 हटाएंगे, तो यहाँ से हम सी की क्षमता निकालेंगे। ए और बी, ए बी की क्षमता कितनी रखेंगे? 5/48 रखेंगे, 5/48 प्लस 1/C इक्वल टू 1/6 हो जाएगा ना। 5/48 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, 5/48 यहाँ से हटेगा, एलसीएम लेंगे, 48 आएगा, तो 6/8 48 माइनस 5 तो 3/48, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 1/16 आई। तो ये हाँ कह रहे हैं प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त हुए, इसमें तीनों लोगों का रुपया निकालना है ना, तो तीनों लोगों का हम रेशियो भी निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए की क्षमता कितनी है, 1/16 है, बी की क्षमता 1/24 है, और सी की क्षमता 1/16 है, 1/16 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, 48 आ जाएगा, 4 × 8 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 16 एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 से हम सब में ऊपर गुणा कराएंगे, 6 × 2 = 2 / 6, 3 × 2 = 6, 2 / 6 = 6, 3, 2 और 3 ये आया। और तीनों लोगों की क्षमता अगर हम जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3, 2, 5, 5, 2, 5, 3, 8 आएगी। और ये कितना दिए हैं, ये कह रहे हैं काम करने के लिए 400 रुपया, 400 रुपया है ना, 400 रुपये को तीनों लोगों में बांटना है, 400, और यहाँ भी कितना आ रहा है तीनों लोगों का, 8 आ रहा है ना, 8 में हम कितने से गुणा करा दें कि 400 आ जाए, तो 50 से 8 में गुणा करा देंगे तो 400 आ जाएगा, तो 50 से 3 में गुणा होगा, इसमें भी 50 से होगा, इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो जाएगा 150 × 100 / 150। ए बी और सी को कितना रुपया मिलेगा, 150